चलिए इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहा है राजधानी भोपाल से, जहां प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। मुरलीधर राव, बीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो होनी थी उसका दौर शुरू हो गया है। ओम प्रकाश अखिलेश्वर, मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। देखिए, बीजेपी में दिन भर बैठकों का दौर चलेगा, जहां चुनाव की तैयारी, भूपेंद्र यादव इस पर बैठक लेने वाले हैं और साथ ही नरेंद्र तोमर भी इस दौरान अलग अलग बैठकों में मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है और इसी के चलते अब लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, लगातार चुनाव करीब आते ही बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, आज एक बार फिर से कई सारी बैठकें होने वाली है, क्या कुछ निर्णय और क्या रणनीतियां बनाई जाएगी इस बैठक में? साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने और विधानसभा के चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे, क्योंकि जिस तरीके से और कांग्रेस तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कम समय में बीजेपी बहुत ज्यादा काम करना चाहती है। तो इसी को लेकर लगातार हम बैठकें देख रहे हैं। कल भी देर रात तक एक बैठक चली थी, इसमें जो प्रबंध समिति बनाई गई उसके संयोजक प्रेम सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद रहे थे। वहीं आज भी लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। कई तरह की समितियां बनानी है, क्योंकि 26 तारीख को अमित शाह मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल आने जा रहे हैं, जहां पर वो बैठकों को संबोधित भी करेंगे। तो उससे पहले बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व मिलकर सभी टीमों के समितियों के जो पदाधिकारी होंगे उनके नामों को तय कर लेना चाहता है। इनके इन समितियों को लीड कौन करेगा उसके नाम पूरे फाइनल कर लेना चाहता है, ताकि जब अमित शाह आए तो उनको अंतिम, जितनी भी तैयारी की गई उनको अंतिम रूप दिया जाए। तो उसी को लेकर आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा, चाहे वो वित्तीय प्रबंधन की बात की जाए, चुनाव प्रबंधन की बात की जाए, सोशल मीडिया की बात की जाए, कार्यकर्ताओं की बात की जाए और जो नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने की बात की जाए। तो आज लगातार बैठकों का दौर चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्योंकि इस वक्त बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, तो बैठकों में वो भी शामिल होंगे और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कोशिश अब बीजेपी के द्वारा की जाए, इसी कोशिश में सभी नेता लगे हुए हैं। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी खास ये बैठक है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तैयारियां बीजेपी के दिग्गज नेताओं के द्वारा की जाती है। आप बने रहिए वैभव, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, काफी अहम बैठक है और लगातार बैठकों का दौर आज से शुरू हो रहा है, जहां पर आज कई सारी बैठकें होने वाली है और हर एक टीम को, संगठन को तैयार करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये बैठकें ली जा रही है।